सीहोर की झावर विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बरखेड़ा कुर्मी में पीएम आवास के लिए हितग्राही रामप्रसाद लगभग 10 साल से दर दर भटक रहा है। पंचायत से लेकर जिले के अधिकारियों से गुहार लगा चुका है, लेकिन आज तक उसे पीएम आवास नहीं मिला। घास फूस की टपरिया में बारिश कीचड़ धूप पानी में अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। वहीं ग्रामीण देहकेड़ी निवासी का कहना है कि गांव के अपात्र संपन्न परिवारों के नाम पात्रों की सूची में आते हैं और उनको अवैधानिक रूप से आवास दे दिया जाता है, लेकिन मुझे शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाते लगाते 10 साल हो गए पर आज तक मुझे पीएम आवास का लाभ नहीं मिला। मुझे सिर्फ हर बार आश्वासन दिया जा रहा है। अभी भी जनपद के अधिकारी ने कागज की पर्ची पर लिख कर दिया है कि आपका सूची में 40वां नंबर है। अब देखना है कि कब हितग्राही का पीएम आवास में नंबर आता है। झावर से जलील खान की रिपोर्ट। सर जीतेन, क्या समस्या है जो आवास की बता रहे हैं? सर समस्या ये है कि सबको जो बड़े बड़े लोग हैं उनको सबको सर कोटी आवेदन जिनका बिल्डिंग है बना है सर सब कुछ मिल रही है उनको, हमारे पास कुछ नहीं सर, रहने को ना खाने को कुछ भी नहीं, ना जमीन है ना जायदाद है सर। इधर उधर 200-400 रुपये की दिहाड़ी करते हैं, उसमें से भी ये पटवारी मंत्री जिसके पास भी जाओ बोलते हैं कि भाई हम कहाँ से देंगे सर, घर चलाएंगे कि इनको देंगे सर। तो आवास की आपकी काफ़ी समस्या है? बहुत समस्या सर, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना तो रहने को ना कुछ नहीं। आवेदन वगैरह जनपद तहसीलमैन में दिया कि नहीं दिया? जनपद तहसील में भी गए थे आवेदन वगैरह देने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी सर। हेमराज, कौन सी पंचायत है? बरखेड़ा कुर्मी। गांव कौन सा? देहकेड़ी। क्या समस्या बता रहे थे? समस्या यह है वो परमिट नहीं बन रहा, परमिट के लिए जाएँ अधिकारी के पास तो वो कहता है कि तुम्हारा निरस्त होगा और फिर डबल में जाते हैं, तो कहना कि गरीब कब से होगा या कि तू, और जो ट्रैक्टर ट्राली वाले जमीन जायदाद वाले हैं उनका हैंड टू हैंड काम होता है क्योंकि वो पैसे दे देते हैं और हम हमारे बच्चे बच्चे पालें कि उन्हें पालें सब लोगों को, इसलिए हमारा काम नहीं होता है। और पूछते हैं तो कहते हैं कि तू गरीब कब से हो गया, और आवाज भी आज तक कोई आवाज नहीं और बड़े बड़ों को आवाज मिल रहा है। कितने दिन से परेशान है आप? 10 साल हो गए। अकबर आवाज के लिए आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया है? अभी पंचायत में ही दिया था और ऑनलाइन भी कर दिया था। तो क्या बोल रहे हैं यार? आ जाएगा दे देंगे। पैसे भी मांगते क्या आवास के लिए? हाँ वो तो पैसे भी मांगे। अच्छा, और हम उन्हें पैसे दे कि बच्चे बच्चे पालें। काफी परेशान है पंचायत? काफी परेशान है, कोई काम नहीं होता, बड़ा बड़ा काम होता है, गरीब का कोई काम नहीं होता। कौन सी पंचायत है आपकी? बड़खेड़ा। गांव कौन सा है? देखेड़ी। अच्छा, ये जो आवास की समस्या बता रहे थे आप, क्या समस्या है? 15-20 साल से मैं दूसरा घर ही हूँ। अच्छा, तो आपको अभी मिला नहीं आवाज? नहीं मिले। तो सरपंच सेक्रेटरी होनी और क्या कह रहे हैं आपसे? वही 40 नंबर ही बताते। 40 नंबर बताते, तो आपका नंबर नहीं आ रहा है आपसे? नंबर आ ही नहीं कभी। इसके लिए आपने इछावर जनपद या कहीं और गए थे? आपके पूरा नहीं जी जाए सीवर से भोपाल तक जी जाए। अच्छा, कोई सुने ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या चाहते हैं आप? हमारा मकान चाहे हमारे छोरों का कहाँ रू लोग बता। अच्छा, कितने सदस्य हैं आपके घर के? 3 मनक भी का। अच्छा, तो तीनों अभी कहाँ रह रहे हैं आप? दूसरा घर है जगह जगह। अच्छा, मतलब आप बेघर हो जब से? बेघर है जब से साहब, इधर उधर रहते फिरते। हाँ। सरपंच सेक्रेटरी पैसे ही मांगते हैं क्या? पैसा मांगे जब तक दे नहीं तो नहीं दे। कितने पैसे मांगते हैं? 15-20 हज़ार। अच्छा, पैसे दे दे तो दे दें, अगर नहीं देते नहीं दे रहे। 15 हमारे पास हुए तो हम तो कुछ 250-250 रुपये मेहनत करते घर चलाएंगे साहब, की 15-20 हज़ार कहाँ से देंगे।